नमस्कार, मैं मुमता जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की खबर पर। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बद से बदतर हो गई। ये पूरा मामला मऊ जिले महिला जिला अस्पताल का है, जहां मरीज अपना इलाज कराने के लिए सुबह से भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुधि लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में महिला डॉक्टर व CMS मधुरी सिंह अपने चैम्बर में बैठने के बजाय दूसरों के चैम्बर में बातें करते नजर आई। वही डॉक्टर माधुरी सिंह के चैम्बर के बाहर मरीज इंतजार में बैठे हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही महिला अस्पताल में भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर पहुंचे और अस्पताल में मरीजों को भटकता और डॉक्टर की लापरवाही देख भड़क उठे और जमकर फटकार लगाई। वो सही कह रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था तो एकदम से निंदनीय ही है। बाकी अब चूंकि ये अभी सारे कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर जो है पुराने सरकारों के धरे पर काम करते थे, अब जरूरत पड़ी है तो हम यहाँ आया हूँ, अब हम लोग इन लोगों को अपने धरे पर काम करते हैं। खराब कार्रवाई होगी, वो तो गेट खुला है और अपना जज साहब के सामने अपना सफाई देता रहेगा, हमारे विभागीय कार्रवाई होगी। वही सांसद ने मरीजों से उनका पूछा और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ से विनेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज एक और बेटी को ससुराल में मौत की नींद सुला दिया गया। इस लड़की की शादी अभी 3 साल पहले ही हुई थी। इसके 1 माह की एक बेटी भी है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि इसके ही पति ने इसका गला रस्सी से कसकर मार डाला है। ये मामला है बहराइच कोतवाली नगर के मोहल्ला बड़ी हाट का। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी सर, एक कल विवाहिता की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? कोतवाली नगर के बड़ी हाट मोहल्ले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामला सामने आया था और इस संबंध में घर वालों की तरफ से तहरीर भी आ गई है, उसे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिखा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। उन्नाव में पेट्रोल पंप मालिकों में उस समय हड़कंप मच गया जब सिटी मजिस्ट्रेट की अनुगाई में जिला पूर्ति निरीक्षक और उप जिला अधिकारी की टीम ने पेट्रोल पंप टंकियों पर औचक छापेमारी शुरू कर दी। फिर क्या था, टीम ने शहर और हाईवे की टंकियों पर अलग अलग टीम बनाकर जांच शुरू की, जिसमें शहर की खान पेट्रोल टंकी पर मीटर में छेड़छाड़ पाई गई और घड़तोली का मामला सामने आया, जिसके बाद जिला पूर्ति निरीक्षक ने पेट्रोल पंप की टंकी की सीज कर पंप मालिक पर मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं लखनऊ कानपुर हाईवे पर भी एक पेट्रोल पंप टंकी पर घड़तोली और अन्य मानकों को लेकर सीज करने के मुकदमे की कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के सांगली की है। वहां पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सांगली के माधवनगर इलाके में रेलवे पुल के नीचे कूड़े के ढेर में नवजात शिशु लावारिस अवस्था में फेंका गया। उस शिशु को कुत्ते को नोच खा रहे थे। कुछ लोगों की नजर पड़ी तो ये मामला सामने आया। सुबह करीबन 11 बजे सांगली शहर में माधवनगर रेलवे पुल के नीचे कूड़े में कुछ कुत्ते नवजात शिशु को नोच रहे थे। वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों की नजर पड़ी तो शिशु का निचला हिस्सा कुत्ते ने नोच कर खाया था। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर सांगली शहर थाना पुलिस ने घटना स्थल से पंचनामा कर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वही इस घटना के बाद नागरिकों ने रोष जाहिर करते हुए इस शिशु को फेंकने वाले को ढूंढ कर उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सांगली में रेलवे ब्रिज के पास जो कलानगर है, वहाँ एक मरा हुआ छोटा बच्चा, 5 दिन का छोटा बच्चा इसने फेंक दिया था और उसका उस शव का कोई कुत्ते उसको खा रहे थे। ऐसा सांगली में महिसाल में हो गया था और ये अब सांगली में आया है, जो पुलिस और प्रशासन इसका दखल देना चाहिए। हाँ, और प्रशासन उसकी दखल लेना चाहिए और इस प्रकार बंद होना चाहिए। ये बार बार हो रहा है। महिसाल में तो 100 बच्चों को मारा था डॉक्टर ने। कुछ दिन पहले ही सांगली के महाशय गांव में स्त्री भ्रूण हत्या मामला सामने आया था। उसके बाद ये मामला प्रकाश में आने से ये साबित होता है कि अब भी लोग भ्रूण हत्या करने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाते।
ना ही उनको कानून का कोई डर लगता है। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। रामपुर की स्वार तहसील में किसानों को एक नए अंदाज में छला जा रहा था। पिछले 100 दिन से खेतों में पसीना बहाकर किसानों ने जिस गेहूं को उगाया था, अब भी वो गेहूं किसानों के साथ हो रही धोखेबाजी का कारण बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित गेहूं क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला है और किसानों की घरतोली की मार झेलना पड़ती है। अब घोटालेबाज सरकारी गेहूं कर केंद्र के नाम पर फर्जी गेहूं खरीदारी केंद्र की स्थापित कर खुलेआम किसानों का शोषण कर रहे हैं। इस बात का खुलासा रामपुर की स्वार तहसील के समोदय गाँव में जब सूचना मिलने पर SDM स्वार ने छापा मारा। छापे में फर्जी गेहूं क्रय केंद्र चलता हुआ मिला। देखिए, जानकारी ये हुई है कि कई फर्जी क्रय केंद्र चल रहे हैं, जो धान के गेहूं के जो क्रय केंद्र हैं, जो स्थापित हैं शासकीय क्रय केंद्र, उनके बगल में इस तरह के फर्जी क्रय केंद्रों की शिकायत आई है। जांच किए जाने पे SDM स्वार ने वहाँ पर कार्रवाई की है, इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। हम जल्दी ही पूरे जनपद में एक अभियान चला करके इस तरह के जितने फर्जी क्रय केंद्र चल रहे हैं या जो फर्जी आढ़तिए हैं जो बिना किसी लाइसेंस के इस तरह के ख़रीदारी कर रहे हैं, उस पर पूरे तौर से रोक लगाएंगे और किसानों को जेन्युइन तरीके से उनका गेहूं खरीद लिया जाए किस क्रय केंद्रों के माध्यम से, ये इंश्योर करेंगे। अच्छा, ये जो केंद्र चल रहा था पूरे मोहरे कट्टे सारे सरकारी थे, इसके बारे में SDM की रिपोर्ट की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें बाकी लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर लगे हुए गेहूं रखने की कट्टे भी बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। बीजापुर जिला देश के दूसरा पंजाब के नाम से जाना जा रहा है, जबकि इस शहरवासियों को पीने के पानी के लिए बूंद बूंद को तरसना पड़ रहा है। इस जिले में 5 नदियां बहते हुए भी पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। जिला ADM मिनिस्टर डॉक्टर MB पाटिल कहते हैं कि शहर को पानी जून माह के अंत तक मिलेगा, लेकिन इनके झूठे वादे सुनकर लोग काफी परेशान है। इस कारण शहर के निवासियों की भीड़ नाव जल मंडी के सामने हड़ताल करने पर उतर गए। सरकार से टैंकरों में पानी सप्लाई करने के आदेश देते हुए भी प्रशासन नजरअंदाज कर रही है। इस कारण आक्रोशित लोग शहर के मुख्य रास्तों की यातायात रोकते हुए प्रतिभटना कर रहे हैं, फिर भी सरकार जल संकट को दूर करने में विफल रही है। कर्नाटक के बीजापुर से HU पाटिल की रिपोर्ट। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। बलरामपुर जिले के रेहड़ा गांव में एक तंत्र मंत्र के चक्कर में बलि देने के नाम से गांव की जो 14 साल की सुनैना नामक की छात्रा का अपहरण कर गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया। ये आरोप पास के गांव बताया जा रहा है। सुनैना व उसके परिजनों ने बताया कि वह स्कूल आई थी एडमिशन के लिए और वापस घर जा रही थी कि अचानक आरोपी पीछे से आ गया और उसे पकड़ कर जंगल की ओर भगाने लगा। वही इस बीच आरोपियों ने छात्रा का गला दबा दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। वही इस घटना को गांव के लोगों ने देखा और आरोपी को पीछा किया और छात्रा को उसके चंगुल से मुक्त कराया और कुसमी पुलिस को मामले की जानकारी दी। बेहोश छात्रा का गांव वालों ने पूजा पाठ कर उसे तत्काल CHS कुसमी में ले गए। छात्रा के पिता ने बताया कि वो कुसमी में काम करने आया है। जैसे ही उसने सूचना मिला तो वो गांव गया, जहां उसकी लड़की बेहोश थी। गांव वालों ने पूजा पाठ किया और उसे CHS कुसमी में ले आए। मेरे बच्चे के साथ घटना ये हुआ, मैं तो कुसमी में था तो फोन आया मेरे बच्चे के बारे में कि नहीं, आपके बच्चे का अचानक आकर रास्ते से गई थी स्कूल गई थी तो अचानक आकर कोई अनजान आदमी गला घोंट कर घसते हुए ले जा रहा था जंगल में, और मैं जाकर देखा तो उन बोले कि बेहोश हो गया है। तो मैं जाकर देखा तो वास्तव में बेहोश था, 2 घंटे से बेहोश में ही थी मेरी लड़की। अभी मामले में पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बलि देने के लिए ले जा रहा था, लेकिन प्रार्थी के द्वारा अभी रिपोर्ट आकर किया गया है कि लड़की अपने हाई स्कूल तरफ सवेरे काम से अपने स्कूल गई थी तो वहीं वापस आते समय सिविल दाग पास के ही गाँव का एक आदमी आकर उसको बेहोश कर दिया था, उसका गला दबा दिया था। उसके बाद आसपास के लोग चिल्लाए आके, घटना नहीं हो पाया, कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाया आरोपी, तो जिसके संबंध में भी थाने में सूचना दी गई है। मामले में भी कायमी कर लिया गया है। मुलायजा प्रार्थी की लड़की जिसके विरुद्ध घटना हुआ है
उसका मुलायजा कराने के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया गया है, इलाज चल रहा है। और जो आरोपी था वो भी जंगल के रास्ते से भाग रहा था, जिसको गांव वाले पकड़े तो उसका भी मुलायजा कराया गया है, जिसे पुलिस हिरासत में अभी लिया गया है। वही पिता ने बताया कि आरोपी ने बताया है कि वो 3 दिनों से घर से निकला और बलि देने के चक्कर में वो सोया नहीं है। आरोपी का नाम मनोज नगेशिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन भी कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर। नमस्ते।